वहां प्रभु ने मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं हो रही थी और इसके लिए मैं उम्र भर आप सबका आभारी रहूंगा। पर हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में तो ये एक व्यक्ति जो एकदम खार बन गया, साय की तरह भरे, वो व्यक्ति कभी सामने नहीं आया, पर जिस तरीके से उन्होंने पीछे रहकर हमेशा मेरा संरक्षण किया, आज मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा अगर आज इस मंच पर मैं मेरे भगवान मेरी माँ उनके आगे में जिक्र न करूं। इन्होंने अकेले बिना हिम्मत हारे हुए, बिना डरे हुए इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभालने का काम किया, परिवार के टूटने के बाद, पार्टी के टूटने के बाद अपने आंसुओं की चिंता नहीं की, जिस तरीके से मेरे आंसू पहुंचते रहे, मुझे हिम्मत देती रही, मुझे ताकत देती रही, यही ताकत रही थी मेरे पिता के पीछे और मेरे अस्तित्व के पीछे भी मेरी माँ ही है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से एक लाइन में बोलती नहीं है मैं, पर मैं चाहूंगा एक लाइन बोलने। मैं हाजीपुर की जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है उसी तरह मेरे बेटे चिराग को हमारी मदद से दिया। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी धूप में, मैं समझ सकता हूँ छह घंटे से भी ज्यादा हो गया, छह घंटे से जिस तरीके से आप लोगों ने धूप गर्मी धूल मिट्टी की परवाह की, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मेरे लिए ये प्यार ही बहुत है। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दे दिया, मैं अपने आप को इसी में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं तमाम नेताओं का, अशोक जी, मैं तमाम नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं खास तौर पर मैं इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर नहीं, मैं इनको मेरे पिता की जगह पर ही, मेरे पिता तुल्य मेरे अभिभावक जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद हर कदम पर मेरा साथ दिया, आदरणीय मित्र नंदलाल जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग इनका स्वागत करें। इस सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इस मंच पर मौजूद मेरे पिता के मित्र आदरणीय शहनवाज हुसैन जी, जिन्होंने हर समय मेरे पिता का साथ दिया, उनके जाने के बाद भी मजबूती से मेरे परिवार के साथ वो यहाँ पर खड़े रहे। इस सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे विधायक यहाँ पर मौजूद अजय सिंह जी, बल्लभगढ़ से हमारे आदरणीय विधायक साहब मौजूद यहाँ पर, हाजीपुर से हमारे विधायक जो हर कदम पर मजबूती से हमारा साथ देते आदरणीय अध्यक्ष भाव मौजूद यहाँ पर। कुछ समय पूर्व हम आ गए थे, कई लोग कई नेता हमसे पहले ही भूल कर जा चुके हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। रामा जी का भी एक बार जोरदार ताली बजा कर आपको स्वागत करें। बोला इन्होंने पार्टी को मजबूती देने का फैसला लिया है और ये पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी को मजबूती से साथ देने का काम कर रहे हैं। मौजूद इस सम्मानित मंच पर वैशाली से हमारी सांसद और अभी एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय वीना देवी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव